हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है परफॉर्मिंग आई इरिगेशन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या स्किल टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्किल टेस्ट में इसके पूछे जाने की संभावना भी है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो एक तो इससे बनता है कि आई इरिगेशन में कौन कौन से आर्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती है वो, और आई इरिगेशन की ट्रे तैयार कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में डेफिनेशन। पहले डेफिनेशन देखते हैं। वॉशिंग ऑफ द आई एक्सटर्नली यूजिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर और अदर मेडिकेटेड फ्लूड, मतलब आई को वॉश करना तो वाटर से या अदर मेडिकेटेड फ्लूड से। ठीक है, वो होता है आई इरीगेशन। ठीक है, अब इसके पर्पज़ क्या है? टू क्लीन द आई, आई को क्लीन करना, टू रिमूव फॉरन पार्टिकल्स, एक्सेसिव सिक्रेशन और डिस्चार्ज, जो भी एक्सेसिव सिक्रेशन और डिस्चार्ज है उसको क्लीन करना और फॉरन बॉडी को रिमूव करना आई से। ठीक है, टू अप्लाई हीट और कोल्ड, जो भी मतलब हीट और कोल्ड है अप्लाई करना आई पर। ठीक है, टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करना, और टू रिलीव डिस्कम्फर्ट और डिस्कम्फर्ट को रिलीव करना। ठीक है, ये इसके पर्पज़ हो गए आई इरीगेशन के। फिर बात करते हैं हम आर्टिकल्स क्या चाहिए ड्यूरिंग प्रोसीजर। आर्टिकल्स के हमें कौन कौन से आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो देखते हैं। ठीक है, एक तो आई इरीगेटर या सीरिंज विदाउट नीडल, एक आई इरीगेटर होना चाहिए या सीरिंज होनी चाहिए विदाउट नीडल की। लार्ज कॉटन स्वाब होना चाहिए, मैकिनटॉश होना चाहिए, किडनी बेसिन होनी चाहिए, इरीगेशन सोल्यूशन भी हमें हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, ये आर्टिकल्स ड्यूरिंग प्रोसीजर हमें ज़रूरत पड़ेगी। और बात करते हैं फिर बिफोर प्रोसीजर की। बिफोर प्रोसीजर हमें आइडेंटिफाई करना है पेशेंट को, आइडेंटिफाई करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट पेशेंट फॉर राइट प्रोसीजर। ठीक है, और प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन एज व्हाट विल बी डन एंड हाउ ही मे कोऑपरेट, मतलब पेशेंट को जो हम प्रोसीजर करेंगे वो उसको एक्सप्लेन करते हैं और ड्यूरिंग प्रोसीजर हमें कोऑपरेट करने के लिए कहते हैं। ठीक है, जिससे पेशेंट की एंजाइटी कम हो और रिलीव हो सकती है एंजाइटी। ठीक है, असेंबल्स आर्टिकल्स एट द बेड साइड, जो भी आर्टिकल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी ड्यूरिंग प्रोसीजर हम बेड साइड उसको इकट्ठा करते हैं, और ये इसलिए करते हैं क्योंकि ड्यूरिंग प्रोसीजर हमें कहीं मतलब डिस्कम्फर्ट ना हो या पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ना हो रिलेटेड टू आर्टिकल्स। ठीक है, फिर बात करते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर। ड्यूरिंग प्रोसीजर वॉश हैंड एंड ड्राई हैंड्स। ठीक है, हैंड वॉश करना है और वापस उनको ड्राई करना है हैंड्स को। ठीक है, फिर हमें क्या करना है? एक्सपोज द लोअर कंजक्टिवल सैक बाय सेपरेटिंग द लीड्स विथ द थंब एंड फोर फिंगर, मतलब जो हमें लोअर कंजक्टिवल सैक है उसको सेपरेट करना है लीड से। ठीक है, और विथ द थंब और फोर फिंगर से, थंब और फोर फिंगर से हमें सेपरेट करना है उसको लोअर कंजक्टिवल सैक को। ठीक है, एक्सक्रिएट प्रेशर ऑन द बोनी प्रोमिनेंस ऑफ द चीक बोन एंड द ऑन द आईब्रो वी होल्डिंग द आई बॉल्स। ठीक है, हम जब मतलब सेपरेट करते हैं तब हमें प्रेशर डालना है बोनी प्रोमिनेंस। बोनी प्रोमिनेंस हम कह सकते हैं जो चिक बोन का बोनी प्रोमिनेंस होता है, जहाँ मतलब हम कह सकते हैं कि जो आँख के नीचे की जो बोन है वो बोनी प्रोमिनेंस हमें उभार दिखाई देता है बोन बोन के रूप में। ठीक है, उस पर हमें प्रेशर एक्सक्रिएट करना है और होल्डिंग द आई लीड्स को हमें होल्ड करना है। ठीक है, फिर बात करते हैं होल्ड द फील्ड आई इरीगेटर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर एंड 1 इंच अबाउ द आई, जो आई इरीगेटर है हमें उसको 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच अबाउ उसको होल्ड करना है। ठीक है, और इरीगेट द आई डायरेक्टिंग द सोल्यूशन ऑफ द लोअर कंजक्टिवल सैक फ्रॉम द इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, हमें जो इरीगेशन का डायरेक्शन है आई की जो डायरेक्शन है वो हमें लोअर कंजक्टिवल सैक में रखनी है और इनर कैंथस टू आउटर कैंथस की तरफ रखनी है। ठीक है, फिर बात करते हैं इरीगेट अंटिल द सोल्यूशन लिविंग द आई इज क्लियर और अंटिल ऑल द सोल्यूशन हैज़ बीन यूज। ठीक है, हमें तब तक इरीगेट करना है कि जब तक आई या तो क्लियर हो जाए, ठीक है, या फिर वो इरीगेशन सोल्यूशन एंड हो जाए, ठीक है, ख़त्म हो जाए। ठीक है, फिर बाद में ड्राई अराउंड द आई विथ अ कॉटन स्वाब, जो हमें बाद में इरीगेशन करने के बाद में जो भी आई को ड्राई करना है कॉटन स्वाब से। अप्लाई ऑइंटमेंट और इज प्रेस्क्राइब बाई फिजिशियन, जो हमें ऑइंटमेंट दिए अगर इरीगेशन के बाद में कोई ऑइंटमेंट अगर प्रेस्क्राइब की है फिजिशियन के द्वारा तो हमें वो अप्लाई करनी है। और डिस्कार्ड द इरीगेटेड फ्लूड एंड स्वाब एंड स्टराइज रिप्लेस और रियूजेबल आर्टिकल्स वॉश हैंड, वापस हमें इरीगेशन फ्लूड को वापस स्टरलाइज करना है, जो भी इरीगेशन ड्यूरिंग प्रोसीजर हमें इक्विपमेंट आए उनको स्टरलाइज और रिप्लेस करना है और हैंड वॉश करनी है। ठीक है, फिर बात करते हैं आफ्टर प्रोसीजर। आफ्टर प्रोसीजर रिकॉर्ड द ट्रीटमेंट शोविंग अमाउंट ऑफ कलर डिस्चार्ज कंसिस्टेंसी ऑफ डिस्चार्ज प्रेजेंस ऑफ रेडनेस स्वेलिंग एंड ट्रीटमेंट गिवन, जो भी हमें मतलब रिकॉर्ड करना है कि जैसे कि अमाउंट ऑफ कलर डिस्चार्ज, जो भी डिस्चार्ज कलर हुआ उसका कलर क्या कौन सा था। ठीक है, कंसिस्टेंसी ऑफ डिस्चार्ज, कंसिस्टेंसी क्या थी डिस्चार्ज की, प्रेजेंस ऑफ रेडनेस और स्वेलिंग तो नहीं थी ड्यूरिंग प्रोसीजर। ठीक है, ये हमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है, रेफर द पेशेंट टू द फिजिशियन बाई सो एविडेंस ऑफ अल्सरेशन, अगर हमें पेशेंट में आई एविडेंस कर रही है मतलब हमें अल्सर दिख रही है ड्यूरिंग प्रोसीजर में पेशेंट के आई में, तो हम उसको फिजिशियन को रेफर कर देते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो मैं ये आई इरीगेशन ट्रे, इसमें देखो ये इरीगेशन फ्लूड है,
ये इरिगेशन फ्लूड है, ठीक है, ये सीरिंज है, ये मैकिनटोश है, ये कॉटन बॉल है, ये दो किडनी ट्रे है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और देख ले सिंपल है वैसे याद रह जाएगा इतना, ठीक है। और फिर देखो ड्यूरिंग प्रोसीजर हम कैसे ये बोनी प्रोमिनेंस पर देखो एक्सक्रिएट कर रहा है, ठीक है, और ये फोर फिंगर से एक्सक्रिएट कर रहा है क्योंकि लोअर आईलिड यहाँ से सेपरेट हो रही है इधर से, ठीक है। और फिर ये जो सीरिंज है ये 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच हम ऊपर रखते हैं आई से, और लोअर कंजेक्टिवल सेक, ये जो लोअर कंजेक्टिवल सेक है, ठीक है, ये लोअर कंजेक्टिवल सेक है, इसमें हम जो इरिगेशन है इरिगेट करते रहते हैं, ठीक है। लोअर कंजेक्टिव इनर कैंथस से आउटर कैंथस की तरफ ऐसे हम इरिगेट करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।